आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो होगा हीमोग्लोबिन की केमिकल स्ट्रक्चर, यानी हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना है वो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हीमोग्लोबिन है उसकी रासायनिक संरचना बनाने से पहले हमें ये याद रखना होता है कि हीमोग्लोबिन केमिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो काम आते हैं, कौन सा एलिमेंट है वो काम आता है, कौन सी टीम काम में आती है, उसको ऐड करके हीमोग्लोबिन संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें एक तो एपी प्लस टू आयन है जो प्लस में एक फोर्थ आयरन मतलब होती है और आयरन आयरन रिंग मिलकर के एच बी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की संरचना का निर्माण करते हैं। एपी जो मध्य में पाया जाता है तथा फोर आयरन रिंग इसके घेरे हुए रहती है, चार और एच यानी हीमोग्लोबिन की संरचना का निर्माण करते हैं। तो हीमोग्लोबिन की संरचना अब हमें एपी तो बीच में ऐड करना है और इसमें फोर आयरन वगैरह बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ो इसमें, नाइट्रोजन 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 चार नाइट्रोजन जुड़ेंगे। इसके बाद में इसमें इसको एपी से जोड़ दीजिए नाइट्रोजन को। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक तीन पाँच आठ यहाँ पर तो हमको जोड़ना है सी एच थ्री और छः और सात नंबर के, जिनके मतलब छः और सात नंबर पे जोड़ना हमको सी एच टू डबल वन सी एच टू सी डबल फोर ओ एच से जोड़ना है। इसके बाद में हमें यानी एक दो और चार यहाँ पर हमको ऐड करना है, यहाँ पर हमको ऐड करना है सी एच टू डबल वन सी एच टू यानी वाई ये ऐड करना है। इसके एक तीन पाँच आठ पे सी एच थ्री जोड़ना है और छः और सात पे सी एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ एच ये जोड़ना है और टॉप और फोर पे पानी जोड़ना है सी एच टू डबल वन सी एच। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ हो गए। अब इसके बाद में हमको एक नंबर पे क्या जोड़ना है सी एच थ्री को सी एच थ्री ऐड की, सी एच थ्री ऐड करने के बाद में तीन नंबर पर हमको सी एच थ्री जोड़ना है सी एच थ्री जोड़िए, पाँच नंबर पर सी एच थ्री जोड़ना है सी एच थ्री, इसके बाद में आठ नंबर पर सी एच थ्री ऐड किया सी एच थ्री हो गया सी एच थ्री हो गया। अब इसके बाद में हमें छः और सात नंबर पर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड पर जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़िए सी एच टू डबल वन सी एच टू सी डबल वन ओ एच यहाँ पर जोड़िए सी एच टू डबल वन सी एच टू सी डबल वन ओ एच ये जोड़ दिया। इस जोड़ने के बाद में अब हमारी सर स्ट्रक्चर में जो फोर पाए नहीं है उसमें टू और फोर की जगह यानी पानी लोड जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़िए सी एच टू डबल वन सी एच टू और यहाँ पर जोड़िए सी एच टू डबल वन सी एच ये ऐड कर दें। अब ये ऐड करने के बाद में हमें ये जो रिंग इसकी बची हुई है आर है इसको हमें सी एच टू से जोड़ना है, सी एच सी एच सी एच ये सी एच से जोड़ गया, ओनली सी एच से जोड़ना है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब एपी बीच में है इनकी जो इसके प्रकार से नंबर इनके हिसाब से हमने सी एच थ्री लगा दिया और छः सात पोजिशन पे ये लगा दिया और टू फोर पे ये लगा दिया। इस लगाने के बाद में हमने इनको सी एच से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक नंबर से एक कार्बन को छोड़ना है, मान लीजिए ये कार्बन की संरचना है तो हमें एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल ऐसे हमें बॉन्ड बनाना है, तो
सिंगल डबल और डबल। इस प्रकार ये पूरी की पूरी है, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाती है। अब हम फिर से समझाते हैं, हीमोग्लोबिन की जो केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बनाने से पहले हमें ये याद रखना होता है कि हीमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर के मध्य में तो आयरन पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। अब आयरन पाया जाता है वो इसमें फोर आयरन रिंग, मतलब ये है कि आड़ के ये रिंग बचेगी ना, इसको हम फोर आयरन रिंग बोलते हैं। फोर आयरन रिंग मिलती है और तथा एच बी स्ट्रक्चर का निर्माण ये ऐसे होता है। इसके बाद में एपी को बीच में सेट कीजिए, इसके बाद में ये फोर आयरन रिंग बन गई चार। इसको बनाने के बाद में इसके 1358 पर CH3 जोड़ी और 647 पर जोड़ी CH2 मेमोरी यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक 24 पर CH2 बाइनल जोड़ी। इसको जोड़ने के बाद में जो ये कार्बन ये बनते हैं इनको हमने CH बॉन्ड से जोड़ते हैं। इसको ये बॉन्ड से जोड़ने के बाद में हमें जोड़ने के बाद में जो बनता है यहाँ से शुरू कीजिए एक नंबर से, पर हमें एक चैन मतलब कार्बन परमाणु की चैन है उसमें हमें एक कार्बन को छोड़ना है सिंगल लेवल करना है बॉन्डिंग। इस प्रकार हम हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो एंट्री आयरन पाया जाता है इसमें और आयरन रिंग मिलकर के हीमोग्लोबिन संरचना का निर्माण करते हैं। और एंट्री को बीच में सेट कीजिए, ये पोर रिंग बनाइए और इनको टोटल करेंगे हम इसमें, यानी इसमें आते हैं कार्बन तो 20। हीमोग्लोबिन की संरचना में कार्बन आएंगे टोटल 20 और हाइड्रोजन आएंगे टोटल 14 और नाइट्रोजन आएंगे 4, मतलब C20H14N4 इसको बोल रहे हैं H2। ये एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन है उसका एक तरह से फार्मूला हुआ है, हीमोग्लोबिन की केमिकल संरचना है उसका ये केमिकल फॉर्मूला हुआ है C20H14N4। अब नाइट्रोजन है 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 हो गए। अब इसमें कार्बन टोटल करेंगे हम तो 4 4 8 4 4 16 17 18 19 और 20, कार्बन 20 हो गए। और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन डबल सिंगल से देखेंगे हम डबल सिंगल से तो हमें टोटल 14 ही हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। ये है हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना, यानी इसमें टोटल कार्बन है 1 2 3, कैसे भी करके जोड़ेंगे तो कार्बन 20 होंगे, हाइड्रोजन होंगे 14, नाइट्रोजन होंगे 4 ओनली 4 होंगे 1 2 3 4। इस प्रकार हम हीमोग्लोबिन की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में जानते हैं और तथा इस प्रकार के हम निकल संरचना बना सकते हैं। यहाँ याद रखिए इनको, एपी को याद रखिए और फाइल इनको। धन्यवाद।